Hello everyone. In this video, I'll be discussing about for each loop. Now we have discussed for loop. Now this is a particular for each loop for which was introduced with C++ 11. Now what this is, how it works with C++ 11, how it works with arrays, we'll be discussing all these and I will be discussing it using programs. So let's see what is it. Hello everyone. So now let's start with for each loop in C++ 11. Now for each loop was introduced. सबसे पहले अब हम आपसे बात करेंगे for each loop के बारे में. अब इस for each loop को हमने introduce किया था C++ 11 में. यानी कि C++ 11 से पहले ये for each loop available नहीं होती थी. तो इस करके हमें ध्यान रखना है कि हमें C++ 11 version में ही इसके साथ काम करना है. Now loops आपने पहले भी पढ़ चुके हैं आपके जो second unit की series थी. वहाँ पे भी हमने जब loops discuss की और specifically for loop discuss की थी, वहाँ पे हमने hint दिया था for each loop का. तो इसको मैं यहाँ पे exclusively arrays के साथ काम करते हुए कैसे use करना है इसके बारे में डिस्कस करूंगा. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन और यू कैन से अ न्यू इंट्रोडक्शन विद C++ 11 कि हमारे पास फॉर ईच लूप अवेलेबल हुई. तो ये क्या है कि एक अनदर लूप है, तो ये क्या करती है, आइट्रेट ओवर एलिमेंट्स अब ऑफ अ कंटेनर. यहाँ पे कंटेनर का मतलब है यहाँ पे एरे हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, या वेक्टर्स भी हो सकते हैं जिसको अभी हम आने वाले सीरीज इसी सीरीज के चैप्टर के सीरीज में हम डिस्कस करेंगे. तो कोई भी अगर कंटेनर के ऊपर हमने आइट्रेट करना हो एलिमेंट्स के ऊपर, तो ये एक तरीका है जो ऑल्टरनेट है, बेटर ऑल्टरनेट फॉर लूप का. ये इसलिए बेटर ऑल्टरनेट माना जाता है क्योंकि इसमें ना हमें एक्सप्लिसिटली आइट्रेटर मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ती. आइट्रेटर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जैसे हम फॉर लूप में इंट आई इज इक्वल टू जीरो, फिर आई लेस देन एन, ये सब कुछ लिखते हैं, यहाँ पे सब कुछ नहीं करना पड़ता. इसका सिंटेक्स काफी प्रिसाइज है और मोर रीडेबल है. तो इसलिए इसको इसलिए क्योंकि ये रिजेंबल करता है फॉर लूप के साथ, इसलिए इसका नाम फॉर ईच लिखा है. और ईच लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि हर ईच एलिमेंट के लिए ये काम करता है ऑफ द कंटेनर. तो इसको एक और नाम दिया गया है, इसका नाम है रेंज बेस्ड लूप, क्योंकि एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स यानी कि कंटेनर की जो रेंज है उसके ऊपर काम करते हैं. तो इसका सिंटेक्स क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कि हम फॉर लूप लिखते हैं, बस उसमें हमें आइट्रेटर जैसे इंट आई इज इक्वल टू लिखते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ता. इसमें सीधा हम लिखेंगे एलिमेंट या जो भी वेरिएबल का नाम है. यहां पे एलिमेंट का मतलब है वेरिएबल जिसके अंदर वो कंटेनर का वो वाला एलिमेंट आ जाएगा. यानी कि जैसे अगर आपके पास एक एरे है, तो अभी हम इसका एग्जांपल करेंगे, तो एरे का वो वाला एलिमेंट जिस पे आप काम कर रहे हो, वो उसके लिए वो एक वेरिएबल में स्टोर होगा, तो वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे एलिमेंट है. तो यहाँ पे ये मतलब क्या है, वेरिएबल दैट विल होल्ड ईच एलिमेंट ऑन ईच आइट्रेशन. यानी कि हर आइट्रेशन पे जो जिस वेरिएबल पे काम होना है वो एलिमेंट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और यानी कि उसको कोड के अंदर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. और कंटेनर यहाँ पे क्या है, कोई भी एरे हो सकता है, वैक्टर हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग भी हो सकता है. तो इसके साथ ये यूज किया जाता है. तो इसको हम एक प्रोग्राम के साथ अभी डिस्कस करते हैं पहले, फिर हम इसके आगे और पॉइंट्स देखते हैं. अब हमने आपके सामने एक प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें हमने कुछ एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हमने एक एरे को डिक्लेयर किया. ये वन डायमेंशनल एरे है जिसको हमने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज कराया हुआ है इस वैल्यूज के साथ. जैसे आपको मालूम है C++ में इक्वल टू को अवॉइड भी कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पे पहले एक लिख देते हैं और फिर आपको बिना अवॉइड के साथ कराते हैं. और इसमें हमने फॉर ईच लूप का सहारा लिया है. तो इसमें यहाँ पे क्या होगा कि ये नंबर्स जो है ये कंटेनर है क्योंकि एक एरे है, और इसके अंदर हमने जो भी वेरिएबल जो इस पर्टिकुलर आइट्रेशन के ऊपर हमने जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे काम करना है वो किसमें स्टोर हो जाए, एलिमेंट. यानी कि एलिमेंट के अंदर अब 10 आ जाएगा, तो पहली बारी में एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर अगली बारी में ऑटोमेटिकली आइट्रेट करेगी. और यहां पे आपको इंट आई ऐसा कुछ भी डिक्लेरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि आइट्रेटर मैनेजमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है जैसे आपको बताया गया है. तो इसको हम चला के देखते हैं, सिंपल है. सिंपल यानी कि ये जो वेरिएबल होगा इसके इसको ही प्रिंट करते रहना है और ये हमारे को काम करके अपना दे देगा. तो इसको हम आइट्रेट करके देखते हैं. ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया. जैसे मैंने आपको बताया ये इक्वल टू आप अवॉइड भी कर सकते हैं, तो इसको एक बार इसको ऐसे भी चला के देख लेते हैं. ठीक है, ये सेम प्रिंट हो गया. तो इस तरह से ये काम करता है. जैसे आपको मैंने बताया कि अगर हम वेक्टर यूज करते हैं तो वेक्टर भी एक कंटेनर का काम करता है, तो उस केस में हमें वेक्टर को डिक्लेयर करना पड़ेगा. अभी हमें लग रहा है कि वेक्टर हमने पढ़े नहीं है तो कैसे करते हैं, पर फॉर द टाइमिंग आप याद कर सकते हैं. और याद करना कि जब भी वेक्टर देना है तो आपको हैश इंक्लूड वेक्टर हेडर फाइल इंक्लूड करनी ही पड़ेगी. तो यहाँ पे हमने एक वेक्टर दे दिया है नंबर्स करके, ठीक है, और इसको हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में. इसको सेव कर लेते हैं. अब इसको हम रन करते हैं, लेट्स सी.
तो यहाँ पे भी देखें ये वेक्टर भी चल पड़ेगा, ये भी एक कंटेनर है और इसमें भी हमने फॉर ईच लूप यूज की है। यहाँ पे इंट की जगह हम करेक्टर एरे भी ले सकते हैं या स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम काम करते हैं। बाकी की चीजों के बारे में मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। तो अभी आपको याद हो गया कि इसमें कोई भी कंटेनर आता है तो कंटेनर को फॉर ईच लूप के साथ लिखने के लिए आपको सिर्फ ईएल एलिमेंट, जो भी वेरिएबल, जरूरी नहीं है ईएलईएम लिखना है, आप वेरिएबल आई भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बट याद रखना यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो करंट एलिमेंट को होल्ड कर रहा होगा और इसमें आइटरेटर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमें फॉर ईच लूप के साथ काम करते हुए कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। वो पहला पॉइंट हम बात करते हैं, वर्क्स विद फिक्स साइज एरेस एंड डू नॉट वर्क विद पॉइंटर टू एन एरे। अभी इसका ये बेसिक कारण क्या है कि हमें उस टाइम पे साइज पता होना चाहिए और साइज को कैसे पता लगाएंगे अगर वो पॉइंटर टू एरे के साथ है। तो इस केस में इफ फॉर लूप डज नॉट नो द साइज ऑफ द एरे देन हाउ इट विल वर्क। सो इस पॉइंट के लिए आप एक पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं बट फॉर द टाइमिंग आप इसको अवॉइड करें क्योंकि हमने अभी पॉइंटर्स डिस्कस नहीं किए। तो आपने सिंपल याद रखना है कि अगर आप पॉइंटर टू एरे के साथ काम कर रहे हैं तो आप इसको नहीं यूज करें। फिर उसके बाद है कि इसका फायदा क्या होता है कि हमारे पास ये कोड को मोर रीडेबल बना देता है। रीडेबल यानी कि प्रिसाइज होता है, इजी होता है समझना क्योंकि इसमें कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करनी पड़ती ऑफ द आइटरेटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि हमें इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन द लूप शुड बी सेम एज दैट ऑफ द एरे, अदरवाइज टाइप कन्वर्जन्स आर परफॉर्म्ड। ठीक है, तो इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है कि हम इसकी जगह ऑटो लिख लें तो वो बेटर होगा। तो इसको हम एक प्रोग्राम के साथ पहले प्रूव करते हैं और फिर आगे चलते। नाउ लेट्स सी अ प्रोग्राम। हम इस प्रोग्राम में क्या करते हैं, हम इंट की जगह यहाँ पे लिख देते हैं डबल। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज हम चेंज कर देते हैं 10.5, ठीक है, 20.5 या कुछ भी वैल्यू जो आपको सूट करती है। मान लो हमने कुछ ही वैल्यूज चेंज की है। अब हमने इस केस को एक डबल वैल्यूज को स्टोर करने वाला एरे बना दिया, इक्वल टू हम लिख लेते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा सी प्लस प्लस 11 में। अब इस चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस केस में यहाँ पे हमने इंट लिखा है तो ये अगर सेम नहीं है तो हमने कहा कि टाइप कन्वर्जन्स होंगी। तो लेट्स सी कि टाइप कन्वर्जन्स होंगी कि नहीं होंगी। तो हम इसको रन करते हैं और आप देखें टाइप कन्वर्जन्स हो गई क्योंकि 10.5 की जगह 10 आ गया। 20.6 के लिए ये देखिए ये वैल्यूज के लिए यहाँ पे ये वैल्यूज प्रिंट कर रहा है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमने इसको डबल एरे दिया और नीचे हम इंट टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं जिसके अंदर ये वैल्यू को, बट ऑब्वियस जब वो वैल्यू इंट में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। तो इसको अगर आपने सच में इसके साथ बराबर करना है तो आप इसकी डाटा टाइप सेम रख लें। तो इस तरह से अब हम इसको रन करते हैं तो वो उसकी वैल्यू को करेक्टली प्रिंट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज करेक्ट आ रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी जगह बेटर होता है कि अगर आप यहाँ पे ऑटो यूज करें क्योंकि ये भी C++ 11 में अवेलेबल है तो इसके साथ भी हमारे पास सेम आउटपुट आ जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है जब भी आप फॉर ईच लूप के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यू भी आप यहाँ पे असाइन करेंगे वो वैल्यू इस एलिमेंट में स्टोर होगी और इसके लिए उसकी डाटा टाइप वही होनी चाहिए जो एरे के अंदर की होनी चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें जब कॉपी करना है, जैसे कि आपको बताया गया है कि जब हम फॉर ईच लूप यूज कर रहे होते हैं तो ये जो वेरिएबल है ये इस वेरिएबल को हम किस में स्टोर कर रहे हैं, एलिमेंट में। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि वो कॉपी करता है वेरिएबल को ईच आइटरेशन पे, यानी कि इसमें जो वैल्यू है इसके अंदर जब आएगी पहली आइटरेशन पे, फिर अगली बारी इसकी वैल्यू इसमें आएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन हो जाता है। तो उस केस में बेटर होगा कि अगर हम इसका सिर्फ रेफरेंस पास करें। तो रेफरेंस के लिए आपको मालूम है कि हमें कैसे यूज करना होता है, एंड ऑपरेटर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो मेड ओनली यूज कॉन्स्ट। ठीक है, तो उस केस में हम उसके साथ ऑटो, आपको मालूम है मैंने अभी बताया कि ऑटो क्यों लिखते हैं, ताकि वो ऑटोमेटिकली इसकी डाटा टाइप कन्वर्जन कर ले ऑटोमेटिकली अगर इसकी कोई प्रॉब्लम आती है तो। और कॉन्स्ट लिखने से क्योंकि हम इसको चाहते हैं कि उसकी वैल्यूज चेंज ना हो तो इसलिए हम ओरिजिनल को ही रेफर करें, तो बेटर होता है कि कॉन्स्ट भी लिख दें। तो कॉन्स्ट और एंड ये लिखना बहुत जरूरी हो जाता है और इसको इस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम रियली एक प्रोग्राम के थ्रू भी चला के देखते हैं। अब इसको हम चेक करते हैं, हम अपने वही कोड में चेंजेस करते हैं और यहां पे हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब इस कोड के लिए हम यहां पे इसको ओपन कर देते हैं, हम वही कोड लिखने की बजाय। अब इस केस में देखें कि हमारे पास यही एक्सकम्प्लिश हो रहा है, बट यहाँ पे हमने अगेन इक्वल टू डाला है नहीं डाला ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ पे हमने इसको कॉन्स्ट भी दे दिया
और इसके साथ एपरसेंट लगा दिए क्योंकि हम कॉपी कर रहे हैं और हम चाहते हैं एक्सपेंसिव ऑपरेशन ना हो। तो इसको हम सेव करके रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि वी गेट द करेक्ट आउटपुट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो फॉर ईच लूप को अगर आप ऐसे यूज करेंगे, तो अगर आप लेंथी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस केस में इसको एक्सपेंसिव ना बनाना हो तो हम इसको रेफरेंस और उसके साथ कॉस्ट लिखना बेटर होता है। तो इन पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है कि जिस तरह से आप जब भी फॉर ईच लूप के साथ काम करते हैं। ओके, थैंक यू।